मेरी मदर इन लॉ वो बहुत इमोशनल हुई हुई हैं अभी तक, तो मैं उनके पास जाती हूँ और ज़रा पूछती हूँ कि उनका हाल कैसा है। मैं जानती हूँ कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, आई नो दैट, बट मैं आपसे पूछना चाहूँगी, वैसे तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बट स्टिल आई वॉन्ट टू आस्क यू, हाउ आर यू फीलिंग मॉम? अपने घर से दूर जाते तो कैसा लगता है? एग्जैक्टली वैसा ही फील कर रही हूँ। आप बहुत मिस करूँगी, अब महीने में 20-22 दिन आके सेट पे रहना है, इन्हीं लोगों के साथ 12-12 घंटे काम करना है, तो एक फैमिली से ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। तो डेफिनेटली इनिशियल डेज में तो बहुत मिस करूँगी, बाकी समय हर ज़ख्म भर देता है, तो वैसा ये भी ज़ख्म भर जाएगा एक दिन, बट डेफिनेटली बहुत मिस करूँगी। आप मुझे मिस करोगे जब मैं आपको रूम में तंग करती हूँ? हाँ, बहुत मिस करूँगी। ऐसा एक माँ से कैसे पूछ सकते हो पंखुड़ी और पायल, ऐसे नहीं बोलने वाली थी, किसी एक का नाम नहीं ले सकती मैं, ये इट्स अ यूनिट, ये टीम है, मैं पूरी टीम को आशीष सर से लेकर हमारा बर्फी तक मैं सबको मिस करूँगी, क्योंकि इट्स अ टीम, हर एक ने मेरा ध्यान रखा है, मुझसे प्यार किया है, तो मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकती। वन मेमोरेबल मोमेंट ऑन दिस शो जो आप मतलब भूल के भी नहीं भूल सकती हैं? अब 2.5 साल में एक मेमोरेबल मोमेंट नहीं हो सकता है, काफ़ी मोमेंट्स होते हैं, बट हाँ, हर एक्टर को अपनी तारीफ जब होती है तो वो परफॉर्मेंस अच्छा करने के बाद जो तारीफ मिलती है तो वो अच्छी लगती है और वो याद रहती है। वैसे ही कुछ ऐसे सीन्स हैं जब सीन होने के बाद आशीष सर के कमेंट्स आते थे मेरे लिए, तो वही सारे सीन्स मेरे लिए मेमोरेबल है। आप कुछ व्यूअर्स को बोलना चाहेंगी? बहुत सारा प्यार दिया है सोनाली को एज शीला, बहुत पब्लिसिटी भी मिली है, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मैं अलग अलग कैरेक्टर्स में आके आपको डेफिनेटली एंटरटेन करने की कोशिश करूँगी, बस साथ दे देना हमेशा। अच्छा, कोई बिहाइंड द सीन कोई ऐसी मस्ती जो रूम में करते हो या सेट पे, कोई ऐसी मस्ती जो आ गया? इधर इधर चेहरा करो, इधर, हाँ चेहरा नहीं कैमरा, जिसने चेहरा छुपाया ना, मतलब आपको पता चल गया होगा कि ये मैं अकेली ऐसी हूँ जो मैं इतना रूम में सहन करती हूँ। एक तो पहले मेरे साथ पंखुड़ी होती थी रूम में, वो भी मैं दिखती है जैसी पंखुड़ी जैसी दिखती है वैसी है नहीं, एक नंबर की गुंडी है वो मुझे परेशान करती थी, और ऑन स्क्रीन तो मैं सबको परेशान करती थी, तो सबको ऐसा लगता होगा कि शीला में ही कीड़े हैं, नहीं, वो एकदम भोली है, सोनाली एकदम भोली है। एक तो दिशा छोटी छोटी चीज़ में, आज का ही एग्जांपल ले लो, हैंड वॉश रखा था, मैं लेने गई तो मेरे हाथ से छीन के ऐसे रख लिया, पहले खुद ले लिया फिर हाथ धोया फिर उधर रख दिया ताकि मैं ले लूँ ऐसा, और वो हैंड वॉश मेरा, और मैंने ये भी बोला कि प्लीज़ मामी आज का दिन है झेल लो, ऐसा आज का दिन सोच सोच कर करके तो मैंने एक साल गुजारा उसके साथ। आई नो, बट यही बोल के वो मुझसे मेरा गुस्सा निकलने पर मजबूर करती है मुझे। और अगर मामी बहुत ज़्यादा नाराज होती है तो मेरा सिर्फ एक ही डायलॉग होता है, आई लव यू टू, आई लव यू टू बेबी, थैंक यू।